गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए भगवान को, माता रानी को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, उन शक्तियों को नमन करता हूँ। ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, तीर्थ यात्रा, गुरु कृपा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को सक्सेस बनाने के लिए आप जब भी कभी भक्ति से भटकने लगें, आप जो खास करके जिनके इष्ट माता जी हैं, जो माँ भगवती को इष्ट मानते हैं, कहीं भी आप परेशान होने लगो तो आप स्वामी परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी जरूर पढ़ो। उनका एक एक शब्द आपको भक्तिमय बना देगा। एक एक लाइन से आप मां से जुड़ जाओगे। आज हम हृदय चक्र के बारे में और बात करेंगे। हृदय चक्र जब ओपन हो जाता है, हम बहुत हृदय से विशाल हो जाते हैं, विराट हो जाते हैं और ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और कभी कभी दोस्तों इमोशनली हम बहक जाते हैं, कभी कोई इमोशनली हमें मिसयूज कर लेता है और कभी हम हो जाते हैं। क्योंकि जैसे आप मेडिटेशन में हृदय चक्र को छूते हो, हृदय चक्र जागृत होता है, तो आप दया भाव वाले हो जाते हैं, आप करुणामयी हो जाते हैं। तो होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अगर हृदय चक्र आपका खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा, आपके पास आगे बढ़ने के लिए ज्ञान नहीं होगा, चाहे आपने रूहानियत में आगे बढ़ना है, आपने अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपने अपनी निजी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप बात नहीं बनेगी। आप जैसे ऊपर से अच्छे लग सकते हो, जैसे कोई ऑरेंज हो तो आपको ऊपर से बहुत अच्छा लगे, अगर अंदर से खोलो तो उसमें रस ही नहीं हो तो किस काम का हो। तो हृदय चक्र खुलने से रस से हम भर जाते हैं। पर इसका इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उस बैलेंस के लिए हमें मां काकिनी देवी जी की, जो 64 जोगिनी की शक्तियां हैं, उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। जैसे हृदय चक्र ओपन होता है तो कभी कभी आप बिजनेस में इमोशनल फैसले ले लेते हो जो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए ही आपको अपने साथ दूसरे साथी ऐसे रखने चाहिए, टीम के मेंबर, कि जो इमोशनली फैसला ना लेने दें आपको। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता, तो मैं अपने साथियों से मशवरा करता हूं। इमोशनली आपको दूसरे जूझ कर जाते हैं, आप प्रयोग हो जाते हो। आप कभी अपनी टीम में, अपने काम में इंटेलिजेंट लोगों को जरूर रखें और उनके मशवरे को सुने जरूर। आपको देखने में कोई व्यक्ति छोटा लगेगा, पर उसकी उसका मशवरा कभी बहुत बड़ा होगा, बहुत काम का होगा। और दूसरा, हृदय चक्र को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो नेगेटिव फैसले ना ले पाए, आप अपनी मर्जी से कुछ भी करो,
पर कोई आपसे जबरदस्ती ना करवा पाए, उसके लिए माँ काकिनी देवी जी की, चौसठ जोगिनी जी की साधना जरूर करनी चाहिए। आपने देखा भी होगा, जैसे भी आदरणीय पंडित जी लोग आपके घरों में आते हैं तो चौसठ जोगिनी की पूजा जरूर करवाते हैं, काकणी डाकणी शाकणी की पूजा भी कराते हैं, पर वो पूजा एक फॉर्मल होती है, फॉर्मेलिटी होती है, जिस ढंग से होनी चाहिए, बड़े कष्ट से कहता हूँ, नहीं होती है। इसके लिए आप माँ काकणी देवी जी का ध्यान करें हृदय में, और इनके लिए विशेष मंत्र होते हैं, आप अपने गुरु महाराज से, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे जरूर माँ काकणी देवी जी का मंत्र लें। जे गोपनीय मंत्र हैं, सीक्रेट मंत्र हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसका दुष्प्रयोग हो सकता है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ध्यान में जाने की टेक्निक है, ध्यान में जाने के ढंग हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ध्यान एक साधना है, साधना से ही ध्यान शुरू होगा, और इसमें मंत्र जाप बहुत ही जरूरी है। आप अगर ऐसा सोचते हो तो आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। आपको लोग इजीली कह देते हैं, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, तो वो होने वाला नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अपने गुरु महाराज के चरणों में लग करके जैसे वो आदेश देते हैं वैसी पालना करें। हो सकता है ए को वो कुछ कहें, बी को कुछ कहें, सी को कुछ कहें, डी को कुछ कहें। अब हम ध्यान की गहराई की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, मंजिल एक हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई संगीत प्रेमी है, उसका गला अच्छा है, अच्छा गा सकता है, तो संगीत से भी भगवान को पा सकता है, उसका हृदय चक्र बहुत जल्दी खुल जाएगा। अच्छा नृत्य करता है कोई, अच्छा डांस करता है, तो उसके लिए ढंग और है, और डांस करते करते भगवान को पा लेगा। मीरा ने नृत्य करते करते भगवान को पा लिया। शांत स्वभाव का व्यक्ति साधना करते करते पा लेगा, पर कहीं कुछ तो करना पड़ेगा, जब तक नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। और हृदय चक्र इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हृदय चक्र ही आपके अंदर इतना ज्ञान देगा, इतना बल देगा, ताकि आप आज्ञा चक्र को जो भी आज्ञा दोगे वो आपकी फॉलो करेगा। आप वहां शक्तिशाली हो, आपके पास जो आज्ञा चक्र है, जो कलेक्टिव माइंड है, ये परम सिद्धियों की सिद्धि 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 है। इसके द्वारा आप भारी अडंबरों से बचोगे और उस प्रभु को, उस परमात्मा को भी पालोगे, और जो कर्म दिया है ईश्वर ने आपको, भगवान ने दुनियादारी का, उसको भी पालोगे, और आप, आपकी जो फैमिली लाइफ है वो भी बेस्ट हो जाएगी। आप स्टडी कर रहे हो बेटा, आपकी स्टडी भी अच्छी हो जाएगी। और अपना बच्चों को स्पेशल प्रार्थना करता हूं कि अपना गोल जरूर बनाएं बच्चों। जब तक गोल नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। बड़ों को भी गोल बनाना चाहिए, और कभी कभी हम परेशान बहुत होते हैं, आपकी बहुत सी ईमेल आपकी बात से लगता है, कभी पास्ट से परेशान है, कभी प्रेजेंट से भी परेशान है, और फ्यूचर को लेके भी परेशान है। तो ध्यान हमें प्रेजेंट में रहना सिखाता है, और पास्ट को वापस लाया नहीं जा सकता, उसको बड़े हौसले के साथ सामना करें। पास्ट की मिस्टेक कोई तंग करती है आपको, पास्ट की गलती तंग करती है, तो पास्ट चला गया, उससे उसमें अफसोस नहीं करना, पर आगे
जीवन में ऐसी गलती ना हो जाए, प्रॉमिस करना अपने आप से। और प्रेजेंट को पूरे नॉलेज के साथ, पूरे ज्ञान के साथ मां के चरणों में लगना, और जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरे प्रेजेंट रह के, हाजिर रह के उसको करना, यही भी आपका ध्यान हो जाएगा। और फ्यूचर का निर्भयता के साथ सामना करना, जो आएगा देखा जाएगा। अगर आप प्रेजेंट को अच्छी तरह जी लेते हो, अगर आप प्रेजेंट में अच्छी तरह आ जाते हो, तो आप कभी भी फ्यूचर से नहीं घबराओगे। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, गुरु जी ऐसा ही क्यों, स्वामी जी ऐसा ही क्यों, कि मेरी ही सिलेक्शन क्यों, मेरे साथ ही इतनी तकलीफें क्यों, मेरे साथ ही इतने कष्ट क्यों, मेरे लिए ही ये रोज रोज इतनी प्रॉब्लम क्यों, भगवान मेरा ही चुनाव क्यों करते हैं, ऐसा लगता होगा। उसके साथ नहीं होता, उसके साथ नहीं होता, उसके साथ नहीं होता। तो एक बेटा इस बात को सोचना कि जब आप खुश होते हो, जब आप जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हो, आपने कभी सोचा कि भगवान मेरा ही चुनाव क्यों किया आपने, मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया? जब ये चीज सोच लोगे तो आप उस परमात्मा के, माता रानी के चरणों में लग जाओगे, ईश्वर आप अपने आप आपकी सहायता करने लगेंगे। जब भी परेशान हो तो ये मत सोचा करो कि कैसे फ्यूचर होगा, ये देखो कि मैंने पाया क्या अब तक। जो सफलता है वो आपकी, लोग निश्चित करते हैं, लोग कहते हैं कितना सफल है, कितना सफल है, कितना सफल है, क्या किया इसने, क्या किया, बहुत आगे बढ़ गया। जब व्यक्ति कहीं फेल होता है तो कहते हैं हमें तो पता ही था ऐसा ही होने वाला है इसके साथ, किसी की सुनता ही नहीं था, जी अपनी मर्जी करता था, इसको मैनेजमेंट नहीं आती थी, इसको फैसले लेने नहीं आते थे, इसको लोग अच्छे नहीं मिले, अच्छे लोगों को निकाल दिया इसने, अब अच्छी जब स्टडी किया इस लाइन में नहीं जाना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, इस जॉब में नहीं जाना चाहिए था, मैंने कहा था इसको इस जॉब में रिस्क है। जो आप लोगों की बात को सुनोगे आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आप कोई अच्छी जॉब कर रहे हो, दूसरा कहेगा नहीं तेरे लिए तो जेब जॉब नहीं है, तू और भी कर सकता है, ऐसी भी कर सकता है। मेरा कहने का भाव कि सेटिस्फेक्शन आपके अंतर में है, शांति सेटिस्फेक्शन आपको ढूंढना है, आपको जवाब देना है कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे कहां तक पहुंचना है। लोगों के बहकावे में, उनके मशवरे में नहीं आना, आप जो करना चाहते हो उस विशेष के पास चले जाना। और जो साधना है, ध्यान है, मंत्र जाप है, जी आपकी शक्ति में हजारों गुना और शक्ति को बढ़ा देते हैं। अगर आप मन से क्लीन नहीं है, आप मन से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, तो जो आपका कलेक्टिव माइंड है उसी बात को सुन लेगा, जो उस पर भारी पड़ गई वही करके देगा, आप हार जाओगे, नुकसान हो जाएगा। इसलिए सुबह उठते ही, जैसे आप बेड से उठते हो, सबसे पहला काम 5 मिनट 10 मिनट भगवान को प्रणाम करो, माता रानी को याद करो और उनका थैंक्स करो, जो जो चीजें हुई आपके साथ, जो जो भी हुआ। आप देखना इस प्रयोग को करके, जिस व्यक्ति ने आपके साथ फिर जिंदगी में अच्छा किया, जिसको कह सकते हो कि इस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया, फिर उस व्यक्ति का थैंक्स करो। वक्त हो तो कभी उसको फोन करो, माताजी को अपने फोन करो, पिताजी को फोन करो, जो जो आपके आइडल हैं, आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी कई गुना बढ़ने लग जाती है। और सुबह से ही नेगेटिव चीज को छेड़ लोगे कहीं, तो फिर पूरा दिन नेगेटिव स्थिति होती, क्योंकि हमने खुद उसको इनवाइट किया। वो ऐसे ही रात को सोते वक्त, और आप पूरी की पूरी एनर्जी से भरे रहोगे। और जैसे आपको
सांस की टेक्निक बताई है, उस टेक्निक से आप थोड़ा स्टेप मिलेगा आपको, पर आप जैसे सांस के ऊपर श्वास के ऊपर ध्यान देते हो तो धीरे धीरे आप और श्वास, आप और सांस एक हो जाते हो, आप और प्राण एक हो जाते हो। हम वास्तव में एक ही हैं, हम और प्राण। जैसे प्राण निकलते हैं तो हम अलग हो जाते हैं, पर जब सूक्ष्म रूप से उस चीज को समझोगे, आप उसको अनुभव करोगे, तो आप देखेंगे कि आप तो सच में उससे जुड़ने लगे। अगर आपको भगवान से शिकायत है कि भगवान ने मुझे इतने कष्ट क्यों दिए, इतनी तकलीफें क्यों दी, मेरी माँ इतनी मेरी परीक्षा क्यों लेती है, ये क्यों मैं इतनी तकलीफों से गुजरता हूँ, मैं इतना दान करता हूँ, इतना पुण्य करता हूँ, मैं लोगों का भला करता हूँ, तो आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे, स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा था एक बार यही प्रश्न, उन्होंने जवाब दिया, सोने को गर्म किया जाता है, जितना गर्म होता है तपता है उतनी अच्छी ज्वेलरी बनती है, डायमंड को भी घिसा जाता है अच्छी तरह से, उसके बाद डायमंड में निखार आता है, ऐसे जो अलग अलग पत्थर हैं, नीलम है, रूबी है, उन पत्थरों को भी ऐसे घिसा जाता है, उनमें शाइनिंग लाई जाती है। आप देखें, आप घर में फ्लोर लगाते हो, मार्बल लगाते हो, जब तक उसको भी घिसते नहीं है उसमें भी शाइनिंग नहीं आती है, गंदा हो जाता है, फिर पॉलिश करते हो, फिर घिसते हो। इसलिए भक्त व्यक्ति को जो अपने इष्ट के चरणों में समर्पित है, गुरु चरणों में समर्पित है, उसका कष्ट इतने से इतना सा हो जाता है और निकल जाता है। आप माँ के चरणों में, भगवान के चरणों में लगे रहें और हृदय चक्र को माँ काकिनी देवी की शक्ति से, माँ चौसल जोगनी की शक्ति से खोलने का प्रयास करें, और इसमें बैलेंस रहेगा। और जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। उसके बाद थोड़ा सा माँ काकिनी जी की ओर ध्यान देना है, और उसके बाद आपकी जो इष्ट देवी हैं, जो भी शक्ति हैं, आप महाकाली जी को मानते हो, माँ दक्षिण काली जी को मानते हो, माँ भद्रकाली जी को मानते हो, माँ शमशान काली जी को मानते हो, माँ छिन्नमस्तका जी, माँ चिंतपूर्णी जी को मानते हो, माँ दुर्गा जी को मानते हो, जो भी आपकी इष्ट हैं अपने आप संभाल लेती हैं। सिर्फ एक बार कनेक्शन करने की जरूरत है। जब कनेक्शन हो गया, रोज आप जाप करते रहोगे, फिर उस कनेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो भी अपने इष्ट देव के माध्यम से इसको जागृत कर सकते हैं। अभी आप अपनी शुद्धता के लिए, अपने आप को क्लीन करने के लिए, जैसे आपसे रोज बात करते हैं तो वम रूम का ध्यान करेंगे, आप क्लीम काली कायन में भी कर सकते हैं, पर वम रूम माँ दश महाविद्या जी का मंत्र है, जो सभी चक्रा को बहुत जल्दी क्लीन करता है, और एक बूस्ट की तरह आप बहुत जल्दी आज्ञा चक्रा में पहुंच जाते हो, जिससे आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हो, आप दूसरों को हीलिंग दे सकते हो। और इस वक्त में कोई बीमार है कोविड के कारण, तो आपकी प्रार्थना, आपकी हीलिंग बहुत बड़े काम की हो सकती है, ये छोटी बात नहीं है। आप करके देखना, आपको इतना आनंद आएगा आप सोच भी नहीं सकते हो, और हीलिंग दूसरे पर पहुंचती है, ये बात नहीं है, आप करके देखो। वम रोम 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 वम रोम
वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम माँ काकिनी देवी, आपके सभी चक्रा को क्लीन करें, आपका आदित्य चक्रा का और विकास हो। माँ कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। माँ काकिनी देवी की शक्ति का, कौआ जो पक्षी होता है उसके साथ भी बहुत संबंध है। कौआ हमारे हिंदुइज्म में, तंत्र विज्ञान में बहुत प्रतिष्ठित पक्षी समझा गया है। हमारी परंपरा रही है कि जब भी हम खाना खाते थे सबसे पहले कौए को, गाय को और कुत्ते को खाना खिलाते थे। और इसमें मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जैसे व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, कौआ, गाय, कुत्ता भी 3 दिन पहले उनके हाथ से खाना खाना छोड़ देता है। कौआ आध्यात्मिक प्रतिनिधि है, बहुत इंटेलिजेंट पक्षी है। कौआ धोखा नहीं खाता है। आप देखें कौए को पकड़ना सबसे मुश्किल काम होगा। तो जैसे इसीलिए जो काकिनी देवी जी की शक्ति है, जे आपको धोखा खाने से महफूज रखती है, आपका बैलेंस रखती है। जैसे आपने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से प्रभावित हो गए हो, कोई आपको प्रयोग करने के लिए कोई प्लानिंग बना रहा हो और आपका हृदय चक्र बोल उठेगा कि मत कर ये काम, तो हृदय की सुनना। वो हृदय सदा सही कहता है। आप देखना पास्ट में कहीं आपने गलत फैसला लिया तो कहीं हृदय ने संदेश दिया होगा, बच्चे मत कर ऐसा। पर कभी कभी हमारी जिद, कभी 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 दूसरे ने, किसी ने विरोध किया तो उसने क्यों विरोध किया, उसको तो करके ही दिखाना है। तो ऐसी बातें कभी कभी नेगेटिव हो जाती हैं। और जैसे हृदय चक्र आपका ओपन होता है, माँ काकिनी देवी की कृपा होती है, तो ऐसा नहीं हो पाता। ये सभी व्यक्तियों के लिए, विशेषकर जिनको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है।
ऐसी भावना करें। मैं मन में माँ काकिनी देवी जी के मंत्र का उच्चारण करता हूँ। जो भी सुन रहे हैं, आपको उस मंत्र की शक्ति मिले, आपका हृदय चक्र बैलेंस हो, विकसित हो, क्योंकि इसी ने आगे आज्ञा चक्र को, कलेक्टिव माइंड को बल देना है, शक्ति देनी है। शक्ति क्रिया मुद्रा करेंगे, इस उंगल को जहां भी रखेंगे कानों को थोड़ा बंद करेंगे, इसको इस ढंग से आंखों को बंद करना है, आंखों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। कानों को थोड़ा सा बंद करना है, जैसे आप करते हैं आपके चक्र लॉक हो जाते हैं, नेगेटिव को रिसीव नहीं करते। अगर साधना करते वक्त इसको रोज करते हैं, चाहे कोई बड़ा साधक है छोटा साधक है, सबको करना चाहिए। धीरे धीरे आंख खोलेंगे, हाथों को देखेंगे, ऐसे स्पर्श करेंगे। हसा काला हरीम, 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 हसकल 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 हरीम। आज्ञा चक्र पे ध्यान रखेंगे, हृदय चक्र से रेजज आज्ञा चक्र को जा रही है। महसूस करेंगे कि मां की शक्ति, भगवान की शक्ति आपके साथ है। हे मां, हे ईश्वर, हे राजर्जेश्वरी, मैं आपका बेटा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो सकती। मां आप हैं तो सब कुछ है, मां आप हैं तो मैं खुश हूं, नहीं तो ना खुश हूं। मां आप इतनी कृपा करती हो, मां उसकी कृपा को महसूस करें, उसकी शक्ति को महसूस करें। वो कृपालु है, दयालु है वो, और वो सबकी है, एक की नहीं है, पूरे विश्व की है वो। बिना पुकारे भी बहुत कुछ देती है, पर जो पुकारता है ना उसको जो देती है, आप विचार भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं अपने गुरु के प्रति लायल हूं, सिंसियर हूं, आज्ञाकारी हूं, उनकी परीक्षा नहीं लेती हूं, नहीं लेता हूं।
उनके चरणों में ध्यान रहता है। हे गुरुदेव, कुछ भी गलतियां हुई हो क्षमा करना, आपने क्या कुछ सिखा दिया। मैं एक बहुत अच्छा हीलर हूं, मैं अपनी शक्ति से, अपनी प्रार्थना से दूसरों का भला करना चाहता हूं। आप कुछ नहीं कर सकते, पर किसी के लिए प्रार्थना करके उसको बहुत कुछ दे सकते हो। मैं अपनी प्रार्थनाओं से, अपने हीलिंग से दूसरों का भला करना चाहता हूं। जिन्होंने मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा किया है उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत शुक्रिया करता हूं। जिन्होंने कभी विरोध किया उनका भी शुक्रिया करता हूं, विरोध ना करते शायद आगे ना बढ़ पाता। मैं आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत हूं। मैं कहीं भी जाता हूं लोग मुझे प्यार करते हैं। जे माँ, आप सबकी कृपा है, माँ सब आपकी कृपा है महारानी। मैं जो भी एग्जाम देता हूं उस पे A+ ग्रेड आते हैं, जे आपकी कृपा है माँ। इस बार का जो कंपटीशन होगा मेरा, उसमें निश्चित रूप से मुझे सक्सेस होना है। मैं हो ही गया हूं। मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जो अभी आपकी प्रिय यूनिवर्सिटी है उसको इमेजिन करें, मुझे मिल ही गया है। माँ आप कृपा करने वाली हैं। माँ मैं इस प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ। ये मत सोचना कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, ये भी सोचना कि इस प्रोफेशन से मैं कैसे लोगों का भला कर सकता हूँ। कैसे, आप मेडिकल लाइन में जा रहे हैं बेटा, तो देखना आप क्या कर सकते हो, क्या कमाल कर सकते हो। कैसे दूर दूर देशों में जा करके भी आप लोगों का भला कर सकते हो, गरीब लोगों का भला भी कर सकते हो। जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो पहले भगवान होते हैं फिर डॉक्टर होता है, कभी कभी भगवान को भूल करके भी डॉक्टर पर विश्वास होता है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे माता रानी, हे खुदा, हे भगवान, आपकी बहुत असीम कृपा हो रही है। मैं उस कृपा के सागर में डूब चुका हूं। मां मैं आपका बेटा हूं तो मैं अकेला नहीं हूं, आप हैं तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मां अपने इष्ट के साथ एक हो जाएं। इष्ट के चरणों में चले जाएं। हृदय से जाएं, मन से जाएं, ये मन का ही खेल है। आप ऐसे करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कब कृपा होगी उसकी। एक क्षण लगता है, एक सेकंड लगता है जब उसकी कृपा होनी होती है। और लाइन में तो लगे, माँ इतनी तेरी कृपा, आपकी कृपा से मेरे मन में आपके प्रति प्यास पैदा हुई। जब प्यास पैदा होती है
तो पानी मिल ही जाता ना। एक कौवा ढूंढ सकता है तो हम तो इंसान हैं, प्यास तो हुई ढूंढ लेंगे। माँ तेरी असीम कृपा है माँ। अपने इष्ट से जो भी चाहते हो मन से कहने की कोशिश करें, जो चाहते हो उसको विजुलाइज करें, पिक्चराइज करें। माँ ऐसे ही कृपा करते रहना माँ, ऐसे ही मेरे साथ रहना महारानी। हे मेरे इष्ट देवता ऐसे ही मेरे साथ रहना, हे शंकर भगवान ऐसी ही कृपा करना। आप समर्पित होके देखो, आपकी कोशिशें सफल होने लगेंगी। मां ने कृपा कर दी, आप जो चाहते थे हो गया, आपका संकल्प पूरा हो गया, गोल पूरा हो गया। माँ का, अपने गुरुदेव का थैंक्स करें जितना कर सकते हो। गुरु के प्रति जितने आप थैंक्स होते हो, शुक्रिया करते हो, माता रानी का शुक्रिया करते हो, उन शक्तियों का शुक्रिया करते हो, उनको महसूस करते हो, तो आप आगे ही आगे बढ़ जाते हो। थैंक्स करते करते मयूर पंख मुद्रा करेंगे। मयूर पंख मुद्रा बहुत शक्तिशाली है, इसकी प्रैक्टिस दिन में 2-3 बार 4 बार करें, 3 मिनट से ज्यादा किया करें। धीरे धीरे हाथ को उठाएं, आंख खोलें, ऐसे टच करें, अंजलि मुद्रा ऐसे करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माँ भगवती माँ महाकाली गुरुदेव आपके ऊपर बहुत कृपा करें, समूह शक्तियाँ आपके ऊपर कृपा करें, हमें अपने चरणों में लगाएं, आप आगे बढ़ें, आपके गोल पूरे हों, आप सक्सेस हों, भक्ति में भी सक्सेस हों, अपनी पर्सनल लाइफ में भी सक्सेस हों। इसी प्रार्थना के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ, आप सुखी रहें, खुश रहें। जय माता दी।